हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो BCNF पे बनाया गया है। BCNF की अगर हम बात करें तो इसके पहले की जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स हैं, फर्स्ट NF, सेकंड NF, थर्ड NF, ये पहले अपलोड की जा चुकी है। तो वो वाली अगर आप लोगों ने देखी नहीं है तो वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ आई बटन पर आपको मिल जाएंगी वो फॉर्म्स, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमने जो भी यहाँ पे डिस्कशन किया है वो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए किया है। एग्जाम्पल जो है वो इन पे ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं। सिंपल सा आपसे डेफिनेशन बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या फिर कंडीशन दे के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आपसे टेबल्स दे के नहीं पूछा जाएगा कि इनमें से टेबल में से बताइए। ऐसा जो लेवल होता है ये गेट एग्जाम्स के अंदर आता है। यहाँ पे बेसिक हम लोग देख रहे हैं कि IBPS या फिर RRB IT ऑफिसर जो होता है, SO IT, या फिर SBI का जो SO की पोस्ट है, उसके लिए जो नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन भी आप इनेबल कर लीजिएगा, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। BCNF की अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म। ये इसकी फुल फॉर्म है, जनरली इसको BCNF ही कहा जाता है। अच्छा, BCNF जो है ये आपकी थर्ड NF के बाद में आती है जनरली। तो नेक्स्ट मतलब कि नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही थी, क्योंकि तीन जो एनोमलीज थी आपकी वो हमने पहले डिस्कस कर ली है। तीन जो आपके एनोमलीज थी, उन एनोमलीज को हटाने के लिए या उन प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए हमको नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट NF हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकेंड NF, थर्ड NF, उसके बाद आता है आपका BCNF। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसमें देखें, इट इज़ एन एडवांस वर्जन ऑफ थर्ड NF, दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज 3.5 NF। देखो, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फुल फॉर्म जो है ये सिंपल कंप्यूटर अवेयरनेस में पूछी जा सकती है, प्रोफेशनल नॉलेज में तो नहीं आएगी, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन बेसिक जो कंप्यूटर अवेयरनेस होता है उसमें पूछा जा सकता है। 3.5 NF जो है ये भी बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन है। जनरल कंडीशन इसकी क्या है कि कोई सी भी रिलेशन जो है वो BCNF को फॉलो करे, उसके लिए जनरल कंडीशन क्या होगी। तो एक बार पहले कंडीशन देख लेते हैं, फिर पूरी प्रॉब्लम समझते हैं कि BCNF की ज़रूरत क्यों पड़ी। कंडीशन अगर हम देखें तो आपका जो रिलेशन है, आपकी जो टेबल है, वो ऑलरेडी थर्ड NF में होना चाहिए। 3 NF जो है आपकी पहले थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में आपकी रिलेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या, फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी X जो है इससे ड्राइव किया हुआ है Y, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी एक दी हुई है। तो ये कंडीशन है कि जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, सारी की सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज में X जो है आपका ये होना चाहिए एक सुपर की। मतलब यहाँ पे जो X से Y को ड्राइव किया गया है, ये जो X है ये आपका 100% होना चाहिए सुपर की, तभी आपकी फॉर्म कहलाएगी BCNF फॉर्म या फिर बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म। अब देखो, समझते हैं कि पहले हम ये समझ लें अगर कि सेकंड NF और थर्ड NF में हमने किया क्या था, या फिर उनकी बेसिक कंडीशन क्या थी। सेकंड NF की देखो बात हम दोनों की करेंगे, सेकंड NF की और थर्ड NF की, फिर समझेंगे कि BCNF की ज़रूरत क्यों पड़ी या फिर इसको यूज़ में क्यों लेते हैं। तो पहले समझ लेते हैं वाई BCNF। अब इसके लिए देखो हमको समझना क्या क्या पड़ेगा। सेकंड NF हमको समझना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा, सेकंड NF और थर्ड NF की, फिर हम आते हैं कि BCNF की ज़रूरत यहाँ पर क्यों पड़ी है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें सेकंड NF की, अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे होता क्या था, एक फंक्शनल डिपेंडेंसी जैसे हम लोग लिखें X टू Y, यहाँ पे X की अगर हम बात करें तो ये मान लीजिए आपका प्राइम एट्रीब्यूट है, और Y की अगर हम बात करें ये मान लीजिए आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो देखो, पार्शियल डिपेंडेंसी यहाँ पे हुआ करती थी। पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि मतलब कोई सा भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी भी प्राइम एट्रीब्यूट से, प्राइम एट्रीब्यूट का क्या होता है, जो कि कैंडिडेट की का पार्ट होता है, कैंडिडेट की जो बनाई जाती है किसी भी टेबल के लिए, उसका अगर कोई पार्ट है, कोई एट्रीब्यूट उसका पार्ट है, तो वो कहलाता है आपका प्राइम एट्रीब्यूट। मतलब कोई सा भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी प्राइम एट्रीब्यूट को से ड्राइव नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें कि कोई सा भी नॉन प्राइम जो एट्रीब्यूट है वो प्राइम एट्रीब्यूट से ड्राइव नहीं होना चाहिए, और कंडीशन यहाँ पे क्या है कि ये प्राइम एट्रीब्यूट जो है ये कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होना चाहिए, या तो पूरी की पूरी कैंडिडेट की होगी तब जाके ये सेकेंड NF कहलाएगा। तो सेकेंड NF की अगर हम बात करें तो पार्शियल डिपेंडेंसी जो हुआ करती थी, सेकेंड NF इनको अलाउ नहीं करता। यहाँ तक समझ लीजिएगा कि सेकेंड NF जो है वो पार्शियल डिपेंडेंसीज को अलाउ नहीं करता।
वो पार्शियल डिपेंडेंसी कब थी कि कोई सा भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जब ड्राइव किया जाता है तो अगर वो प्राइम एट्रीब्यूट से किया जाए जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है तो यहाँ पे होगी आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी। अच्छा थर्ड एनएफ अगर हम देखें, थर्ड एनएफ की अगर हम बात करें तो थर्ड एनएफ देखो होगा क्या, कंडीशन हम लोग यही लिख लेते हैं एक्स से वाई। ये हमने मान लीजिए ड्राइव किया है, एक लेशन हमने लिख लिया, फंक्शनल डिपेंडेंसी हमने लिख ली। तो यहाँ पे देखो क्या होता था, यहाँ पे होती थी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब होता क्या था कि जहाँ पर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो होता है वो दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ड्राइव करे। मतलब यहाँ पे भी आपका होगा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट और यहाँ पे भी होगा आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ड्राइव कर रहा है तो ये चीज़ कहलाती थी आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। देखो यहाँ पे बात ये आती है कि नॉन प्राइम ने नॉन प्राइम को ड्राइव किया तो ये चीज़ कहलाएगी आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो होती है ये थर्ड एनएफ जो होता है ये इसको अलाउ नहीं करता। यहाँ दोनों केस में राइट साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। यहाँ पे भी देखें नॉन प्राइम है, यहाँ पे भी देखें हम नॉन प्राइम है। तो देखो मान लो अगर एक कंडीशन हमारे पास में आई, या फिर हम ये बोलें कि यहाँ पे हम लोगों ने किया क्या है कि सारी कंडीशंस हम लोगों ने यहाँ पे अभी चेक नहीं की है। ये वाली जो कंडीशन है ये सेकंड एनएफ के लिए चेक की, ये वाली जो कंडीशन है ये हमने थर्ड एनएफ के लिए चेक की। मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आई जहाँ एक्स से हमने ड्राइव किया हुआ है, मतलब एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है आपके पास में, और राइट साइड में जो अभी तक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हम लोग ड्राइव कर रहे थे, अगर मान लीजिए यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट आपको मिल जाता है, मतलब वाई जो है आपका ये प्राइम है, एक्स चाहे कुछ भी हो सकता है, ये प्राइम भी हो सकता है या नॉन प्राइम भी हो सकता है, मेन क्या कि इस साइड राइट साइड में आपको मिला प्राइम एट्रीब्यूट, मतलब प्राइम को ही ड्राइव करना स्टार्ट कर दे अगर हम, तो ये वाला जो केस होगा ये थर्ड एनएफ के अंदर कवर नहीं किया गया है। प्रॉब्लम को वापस से एक बार देख लीजिएगा कि x से y को ड्राइव किया गया है, एक फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको दी हुई है, इसमें y अगर प्राइम एट्रीब्यूट है, x चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमने किया क्या कि एक प्राइम एट्रीब्यूट को ड्राइव कर लिया। तो ये वाली जो कंडीशन थी ये हमने थर्ड एनएफ में भी कवर नहीं की थी। तो ये वाली जो कंडीशंस होती है इन कंडीशंस को डील करने के लिए बेसिकली हमको ज़रूरत पड़ती है BCNF की। ये आप समझ पा रहे होंगे, प्रॉब्लम आप समझ पाए होंगे। सेकंड एनएफ जो होता है वो आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी से डील करता है, थर्ड एनएफ जो होता है ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी से डील करता है, जो आपका BCNF होता है ये उस वाले केस से डील करता है जो ना तो सेकंड एनएफ में यूज में लिया गया है ना थर्ड एनएफ में यूज में लिया गया है। और केस क्या कि राइट हैंड साइड पे अगर आप कोई सा भी प्राइम एट्रीब्यूट ड्राइव कर रहे हैं, चाहे वो प्राइम से हो चाहे नॉन प्राइम से हो, तो ये वाला जो है कंडीशन ये BCNF आपका BCNF जो होगा वो इस कंडीशन को हैंडल करेगा। कुछ पॉइंट्स हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं BCNF की। देखो बात समझने के लिए ये कुछ पॉइंट्स है जो जान लेना हमारे लिए ज़रूरी है। थर्ड एनएफ की अगर हम बात करें पार्शियल की कौन सी, प्राइम एट्रीब्यूट कैन ऑल्सो डिपेंड ऑन एन एट्रीब्यूट दैट इज नॉट अ सुपर की दैट इज अनदर पार्शियल की प्राइम एट्रीब्यूट और इवन अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि एक जो प्राइम एट्रीब्यूट होता है ये डिपेंड किस पे करता है, एक जो कोई सा भी एक एट्रीब्यूट जो या कि सुपर की नहीं है, मतलब इसको ऐसे समझिएगा ये एक प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो हमने ड्राइव किससे किया है कि या तो दूसरी पार्शियल की से ड्राइव कर लिया है, या मतलब कि दूसरे प्राइम एट्रीब्यूट से, या फिर हमने किया क्या कि प्राइम एट्रीब्यूट या फिर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो मतलब इसको सिंपल वे में ऐसे समझिएगा कि थर्ड एनएफ के अंदर जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी थी वहाँ पे था क्या कि आपका जो नॉन प्राइम था वो डिपेंड किस पे करता था, प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड किया करता था। नेक्स्ट कंडीशन अगर हम देखें, इन BCNF एवरी पार्शियल की जो आपका प्राइम एट्रीब्यूट है कैन ओनली डिपेंड ऑन सुपर की। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा, थर्ड एनएफ में तो क्या होता था कि जो आपके प्राइम एट्रीब्यूट था वो डिपेंड करता था किस पे, कि वो प्राइम एट्रीब्यूट भी हो सकता है और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट भी हो सकता है। लेकिन अगर BCNF की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या है कि आपका जो प्राइम एट्रीब्यूट है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, सुपर की के ऊपर डिपेंड करेगा। अ टेबल कंप्लाइज विद BCNF इट इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स बिलोंग टू वाई एक्स शुड बी द सुपर की ऑफ द टेबल। ये बात हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही डिस्कस कर ली थी। अगर कोई सी भी टेबल जो थर्ड एनएफ में है और फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स टू वाई के लिए अगर एक्स वाली वैल्यू सुपर की है तो ये चीज़ BCNF भी आपकी कहलाएगी। तो इसको आप समझ पा रहे होंगे।
The main difference is that third NF makes a distinction between key and non-key attribute, also called non-prime attribute. Key attribute जो होते हैं ये prime, ये आपके prime attribute कहलाते हैं. Non-key attribute जो होते हैं ये non-prime attribute कहलाते हैं. तो third NF जो होता है ये एक difference बताता है कि कौन से आपके prime हैं, कौन से non-prime हैं, जबकि BCNF जो होता है वो ऐसे कोई सी भी condition आपके सामने लेके नहीं आएगा. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, इन एनी टेबल दैट हैज़ ओनली वन कैंडिडेट की, दैट इज, देखो इसको ऐसे समझिएगा कि अगर कोई सी भी जो टेबल है उसके, वो अगर मान लीजिए थर्ड एनएफ में है और उसके पास में एक ही कैंडिडेट की है, तो ये ऑलरेडी बीसीएनएफ के अंदर होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई सा भी अलग कॉलम नहीं होगा जिसके थ्रू आप लोग कोई नया रिलेशन बना पाएँ या फिर उस चीज़ को डिकम्पोज कर पाएँ, किसी रिलेशन को डिकम्पोज कर पाएँ. तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा कि अगर कोई टेबल है जिसकी केवल एक ही कैंडिडेट की है और ये अगर ऑलरेडी थर्ड एनएफ, जो आपका थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है, उसके अंदर है, तो ये ऑलरेडी बीसीएनएफ के अंदर होगा. रीज़न क्या, कि क्योंकि वहाँ पर दूसरी कोई सी भी की या नॉन की, प्राइम एट्रीब्यूट या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कोई सा भी नहीं होगा जो फंक्शनली डिपेंडेंट करे किसी दूसरी की के ऊपर. या फिर सिंपल वे में ऐसे समझना कि अगर कोई थर्ड एनएफ वाली टेबल है या रिलेशन है और अगर मान लीजिए वहाँ पे सिर्फ एक ही कैंडिडेट की आपको मिल पाती है, तो वो ऑलरेडी बीसीएनएफ में होगी. अच्छा देखो, अब एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो आपका बीसीएनएफ है इसके लिए एग्जांपल क्या होगा. तो बीसीएनएफ का एग्जाम्पल समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. इस एग्जाम्पल को पहले हम इसमें कंडीशंस देखेंगे कि आपकी टू एन सेकेंड एनएफ जो है उसको फॉलो करता है या नहीं करता, थर्ड एनएफ को फॉलो करता है या नहीं करता, उसके बाद में देखेंगे कि बीसीएनएफ को फॉलो करता है या नहीं करता. तो यहाँ पे हम बेसिक समझ रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन आपका रहे तो अच्छे से समझ लीजिएगा, वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, या फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं. एग्जाम्पल चलो हम इसका डिस्कस कर लेते हैं. जैसे मान लीजिए आपको एक रिलेशन दिया गया है, रिलेशन में आपके पास में एट्रीब्यूट हैं तीन, थ्री एट्रीब्यूट यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ए बी एंड सी. फंक्शनल डिपेंडेंसी जो दी गई है वो दी गई है आपको ए बी टू सी एंड सी टू बी, दो डिपेंडेंसीज आपको दी गई है. इसेंशियल एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें, इसेंशियल एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जिन पे इनकमिंग सिग्नल होता है. तो यहाँ पे इसेंशियल एट्रीब्यूट जो है वो हम लोगों ने पहले वीडियो में भी एक में डिस्कस किया था. देखो अब हम ये चेक कर लेते हैं कि कैंडिडेट की कौन कौन सी हो सकती है. कैंडिडेट की अगर हम बात करें, ए जो है आपका ये कैंडिडेट की होगा क्या, ए की अगर हम बात करें, अकेले ए से हम कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो ये तो कैंडिडेट की नहीं होगा. उसके बाद में अगर हम देखें ए बी जो है ये आपका कैंडिडेट की होगा का, हाँ हो सकता है. ए और बी से आप क्या फाइंड आउट कर पा रहे हैं, सी फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो ये आपका कैंडिडेट की होगा. नेक्स्ट अगर हम देखें ए और सी ये कैंडिडेट की होगा क्या, ए और सी हाँ ये भी कैंडिडेट की होगा. यहाँ से भी हम लोग पूरे एलिमेंट के बारे में पता कर पा रहे हैं, तो ये भी आपका कैंडिडेट की होगा. तो दो कैंडिडेट की आपको यहाँ पे मिले कि ए बी भी आपकी कैंडिडेट की होगी और ए सी भी आपकी कैंडिडेट की होगी. अब यहाँ पे हम चेक करते हैं सेकंड एनएफ, जो सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है आपकी, वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं. सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में हम चेक क्या करते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी. पार्शियल डिपेंडेंसी देखो क्या होती है, कि वहाँ पर कंडीशन ये थी कि अगर कोई एट्रीब्यूट ड्राइव किया जाता है, कोई सा भी नया एट्रीब्यूट, जैसे यहाँ पर सी एंड बी हैं इन पार्शियल डिपेंडेंसीज में, तो वहाँ पे कंडीशन क्या थी कि अगर कोई सा भी नया एट्रीब्यूट ड्राइव किया जाता है तो वो पूरी की पूरी कैंडिडेट की पे डिपेंड होना चाहिए, कैंडिडेट की के पार्ट पे या फिर प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए. तो पहले कंडीशन अगर हम देखें ए बी टू सी, यहाँ पर अगर हम देखें ए बी आपका कैंडिडेट की है क्या, ए बी आपका कैंडिडेट की है, यहाँ तक समझ पा रहे होंगे. दूसरी कंडीशन यहाँ पर दी हुई है सी टू बी, बी की अगर हम बात करें तो बी और सी ये दोनों के दोनों अगर हम देखें तो बी भी आपका प्राइम एट्रीब्यूट है और सी जो है आपका, सी से आपने रिलेशन यहाँ पे देखा हुआ है कि सी से आपको रिलेशन दिया गया है, मतलब सी से आप बी को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सी क्या हुआ आपका, सी भी आपका प्राइम एट्रीब्यूट हुआ. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब कि आपके सी और बी दोनों प्राइम एट्रीब्यूट है, पार्शियल डिपेंडेंसी यहाँ पर नहीं है, दोनों कंडीशंस आपकी सही है, तो ये आपका सेकेंड एन एफ को फॉलो करता है. अब साथ ही साथ हम लोग देख लेते हैं कि ये थर्ड एनएफ को भी फॉलो करते हैं या नहीं करते. तो थर्ड एनएफ की अगर हम बात करें तो थर्ड एनएफ में हमको देखना क्या होगा, वहाँ पे हमको चेक करना होगा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब क्या, कि
नॉन प्राइम से नॉन प्राइम तो कोई एट्रीब्यूट को ड्राइव नहीं किया हुआ है ना। यहाँ पे अगर हम देखें ए बी से अगर हम देखते हैं सी, तो ए और बी जो है आपके ये हैं प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम एट्रीब्यूट से आपने सी को ड्राइव किया हुआ है। और नेक्स्ट अगर हम देखें सी से बी, तो यहाँ पे दोनों लोकेशंस पे आपको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं मिलती है, मतलब नॉन प्राइम से लेके नॉन प्राइम वाला कंडीशन यहाँ पे है ही नहीं। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा अच्छे से। सेकंड एनएफ के अंदर तो देखो क्या करना था हमको, पार्शियल डिपेंडेंसी चेक करनी थी। थर्ड एनएफ के अंदर हमको क्या करना था, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी चेक करनी थी। यहाँ पे हम देखें अगर, तो ये सी और बी जो है ये दोनों के दोनों आपके प्राइम एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी नहीं है। अब देखो बात क्या आती है कि अब हमको चेक करना है यहाँ पे BCNF। तो BCNF की बात करें तो BCNF चेक करने के लिए देखो कंडीशन हमको क्या चाहिए, कि कंडीशन हमारे पास में ये होनी चाहिए कि X से Y जो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमको दी हुई है, यहाँ पे नॉन प्राइम हो सकता है, यहाँ पे प्राइम हो सकता है, नॉन प्राइम प्राइम दोनों हो सकते हैं, इधर की साइड पे प्राइम होना चाहिए। प्राइम जो होता है इसको जनरली किसी भी एट्रीब्यूट को डिराइव करने के लिए यूज में लिया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम लोग प्राइम को ही डिराइव कर रहे हैं। मतलब थ्योरेटिकली अगर हम इस चीज़ को देखें तो प्राइम जो होता है उसका यूज क्या होना चाहिए था कि किसी भी नए एट्रीब्यूट को डिराइव करने के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे किया क्या कि हमने प्राइम को ही डिराइव कर दिया। तो मतलब कोई भी चीज़ किसी भी नई वैल्यू को ड्राइव कर रहा है तो वो अगर सुपर की है तो ये आपकी BCNF की कंडीशन को फुलफिल करता है। तो यहाँ पे हम कंडीशन एक बार चेक कर लेते हैं, ए बी से लेके सी ये आपका BCNF में आता है क्या। तो यहाँ पे देखें अगर हम, तो ए बी आपका क्या है, कैंडिडेट की है। ए बी आपका क्या है यहाँ पे, कैंडिडेट की है, और कैंडिडेट की है तो ये आपका सुपर की भी होगा। कीज वाला जो वीडियो है वो हमने अपलोड कर दिया है पहले, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा अगर यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है तो। नेक्स्ट कंडीशन अगर हम देखें सी टू बी, सी से बी को जब हम ड्राइव कर रहे हैं तो बी जो है आपका ये हमने अभी जस्ट देखा था कि ये प्राइम एट्रीब्यूट है, लेकिन अगर सी की बात करें तो सी के लिए कंडीशन BCNF में क्या है कि आपकी कंडीशन जो है वो सुपर की भी होनी चाहिए। तो सी की अगर बात करें तो सी आपका सुपर की है क्या, ये सुपर की तो नहीं है, तो BCNF के अंदर ये वाली कंडीशन फेल हो जाती है। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी थर्ड एनएफ वाली कंडीशंस को फुलफिल करने वाली रिलेशन है वो सारी की सारी BCNF में रहें। तो देखो यहाँ पे अगर हमको BCNF के अंदर इसको कन्वर्ट करना होगा तो हम अगर चाहें तो सी वाली कंडीशन जो है इस कंडीशन को हम लोग छोड़ सकते हैं, हम इस कंडीशन को हटा सकते हैं। दूसरी जो कैंडिडेट कीज़ है उनको यूज में लेके हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ए और सी आपकी कैंडिडेट की निकल के आई थी, सी से हम लोग बी को फाइंड आउट कर सकते हैं, वहाँ पे हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से प्राइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो BCNF की कंडीशन यहाँ तक आपको समझ आई होगी। सेकंड एनएफ में हम लोगों ने पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव किया, थर्ड एनएफ में हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव किया, और BCNF में हमने किया क्या कि कोई सा भी अगर प्राइम एट्रीब्यूट ड्राइव किया गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ किससे किया जाना चाहिए, कैंडिडेट की से, और कैंडिडेट की जो है आपकी वो सुपर की हो सकती है या सुपर की होती ही है हर कंडीशन में। तो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा कि अगर आप सुपर की से कोई प्राइम एट्रीब्यूट को ड्राइव कर रहे हैं तो वो 100% BCNF में होगा। ये वाला जो एग्जांपल था ये आपका BCNF में नहीं है। तो यहाँ तक जो था इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा कि BCNF को चेक कैसे किया जाता है, BCNF होता क्या है, उसके बेसिक क्या हैं। नेक्स्ट जो होंगे कुछ एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिए। हम ऐसे वीडियोज आपके लिए रेगुलर लाते रहते हैं। थैंक यू।